आज हम ये 0 नंबर के गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी पोशाक बनाएंगे 2 कलर्स में। ये बहुत ही इजी है देखिए, और बहुत ही सुंदर भी लगती है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आज हम ये 0 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से चेन बनाएंगे। टोटल 15 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से 15 चेन बना ली। अब देखिए उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चेन स्किप करेंगे, 1, 2, 3। अब चौथी वाली चेन फोर्थ चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 1-1 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए सभी चेनों में इस तरह से 1-1 डबल क्रोशे बनाएंगे एंड तक। देखिए इस तरह से हमने सभी चेनों में 1-1 डबल क्रोशे बना लिए, तो टोटल हमारे पास ये 13 डबल क्रोशे बने, 13। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए 1, 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन 1 डबल क्रोशे काउंट होगी और टर्न करेंगे अपने पैटर्न को। अब जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें 1 डबल क्रोशे और इसी वाले में 1 और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह। देखिए नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए हम 1 और ये 2 इस राउंड में हम फर्स्ट में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी सभी में 2-2 बीच में सभी में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमने सभी में डबल क्रोशे बना लिए, फर्स्ट में 1 डबल क्रोशे। अब देखिए लास्ट वाली जो चेन है उसमें भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 फर्स्ट और लास्ट में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशे हो गए, 24। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 1, 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन जो है 1 डबल क्रोशे काउंट होगी। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, और इससे अगली वाली में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, और इससे अगली वाली में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल 4 डबल क्रोशे हो गए यहाँ पे, 4। अब देखिए हम यहाँ से बाजू निकालेंगे। तो बाजू निकालने के लिए हम देखिए 1, 2, 3 चेन स्किप करेंगे, 4 चेन स्किप करेंगे, 5th वाली में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। 4 चेन स्किप करेंगे, 5th वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाली में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट। तो देखिए इस तरह से हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशे और ये 8। तो हर चेन में 8 चेनों में हमने 8 डबल क्रोशे बना लिए। तो ये देखिए इस तरह से बाजू और ये बैक निकली। अब फिर से देखें नेक्स्ट बाजू के लिए, दूसरी बाजू के लिए हम 1, 2, 3, 4 चेन स्किप करेंगे, 5th वाली में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, उसके अगली वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में जो 3 चेन थी उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड में जो सबसे ऊपर वाली चेन है उसमें भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से छोटी सी चोली बन गई 0 नंबर के गोपाल जी के लिए। देखिए ऐसे, ये देखिए छोटी सी चोली बन गई 0 नंबर के गोपाल जी के लिए। देखिए इस तरह से बना छोटी सी चोली। अब देखिए अब हम इसको जॉइन करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, चोली को फोल्ड करने के बाद देखिए ये इस तरह से। अब जो स्टार्टिंग ये जो 3 चेनें हैं यहाँ पे दिख रही है उसमें से जो सबसे ऊपर वाली जो चेन है उसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। जुड़ गई हमारी चोली, ये देखिए। देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद 1, 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और 1 चेन और बनाएंगे, 4 चेन, और इसी वाली जगह पे सेम चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से, पर इसे निकालेंगे नहीं, 2 लूप रहेंगे। अब हम एक नए कलर के थ्रेड को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद देखिए ये जो लूप है इसको, स्लिप नॉट को इस तरह से डालेंगे
और ये जो ये वाली जो थ्रेड है ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से लेके जाएंगे, अटैच करेंगे इन दोनों लूपों में। अब तो ये अटैच हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो हम हैं अगली वाली चेन सेम मतलब इसके नेक्स्ट वाली चेन स्किप नहीं करेंगे कुछ भी। तो देखिए इसमें हम क्रोशियो को डालेंगे ऐसे अटैच होने के बाद एक डबल क्रोशियो बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पे सेम जगह पे एक डबल क्रोशियो और बनाएंगे और पर इन दो लूपों को एक ही बार निकालेंगे और नेक्स्ट ये जो दूसरे कलर की थ्रेड है वो ज्वाइन करेंगे इस तरह से ये निकालेंगे। तो दो कलर इस तरह से बुनेंगे। अब देखिए अब ये वाइट आ गया, अब वाइट कलर आ गया तो देखिए हम अब वाइट कलर वाला लेंगे। अब यहाँ से अगली चेन में एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे इसमें डालेंगे मगर ये दो लूप रहने देंगे। अब दो लूपों को नेक्स्ट दूसरे वाले कलर से निकालेंगे इस तरह डबल क्रोशे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये ग्रीन आ गया हमारे पास तो ये ग्रीन आ गया तो नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे ये भी सेम इस तरह करेंगे। ये दो लूप रह गए। अब दो लूपों को नेक्स्ट वाली जो दूसरे कलर की थ्रेड है इस तरह से डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से अब अगली वाली चेन में ये वाइट कलर से एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे इस तरह से। अब देखिए दो लूप रह गए। अब इसको इस वाली थ्रेड से चेंज करेंगे हम। बहुत ही आसान है ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। एक बार और देखिए अगली चेन में हम एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे ये दो लूप रह गए। यहाँ से अब थ्रेड चेंज करेंगे। ये देखिए अगली दूसरी वाली थ्रेड पकड़ेंगे और ये अपना डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे इस तरह। और अब ये वाइट वाला है एक बार ग्रीन और एक बार वाइट इस तरह से। अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशे एक चेन और ये एक डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करेंगे दो लूप रह गए तो यहाँ से थ्रेड चेंज करेंगे। तो ये बहुत ही आसान पैटर्न है देखिए इस तरह से ये बनाते जाएंगे पूरे राउंड में। देखिए इस तरह से ये दो कलर का हमारा पैटर्न बना। अब देखिए नेक्स्ट के लिए दो लूप। अब यहाँ से हम वाइट कलर की थ्रेड लगाएंगे ये डबल क्रोशे पूरा करेंगे इसको इस तरह से। अब देखिए जो ये है जो हमने चार चेनें बनाई थी उसमें से फर्स्ट उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो चेन है उसमें क्रोशे को डालेंगे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से जुड़ गया। अब देखिए ये जो इसके जो एक चेन बची है उसके मिड में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से एक दो और ये तीन और चार चेन बनाएंगे। फिर से चार चेन बनाने के बाद अब देखिए इसी वाली जगह पे एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। एक डबल क्रोशे बनाएंगे दो लूप रहने देंगे। अब यहाँ से थ्रेड चेंज करेंगे सेम रिपीट करेंगे राउंड जैसे हमने ये फर्स्ट वाला बनाया था इस तरह से। अब देखिए ये जो दो डबल क्रोशे के बीच में एक चेन है उस वाली जगह पे अपने क्रोशे को डालेंगे एक डबल क्रोशे एक चेन और इसी वाली जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये दो लूप रह गए। अब यहाँ से थ्रेड चेंज करेंगे इस तरह देखिए। फिर ये नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे। अब थ्रेड चेंज करेंगे यहाँ से इस तरह किया। अब ये ग्रीन वाली थ्रेड से ये जो एक दो डबल क्रोशे बीच में एक चेन वाली जगह है एक डबल क्रोशे एक चेन और इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और यहाँ से अब थ्रेड चेंज करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये अपना पैटर्न बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये राउंड बना। ये देखिए छोटा सा घेरा बनने स्टार्ट हो गया ज़ीरो नंबर के गोपाल जी के लिए। अब देखिए यहाँ से हमने थ्रेड चेंज किया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं स्लिप स्टिच करके। चाहे तो आप ये देखिए थर्ड चेन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियो को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो सेंटर में लेके जाएंगे फिर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से तीन चेन बनाएंगे
सॉरी, तीन प्लस एक चार चेन बनाएंगे और इसी जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब थ्रेड चेंज करेंगे डबल क्रोशे के लिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे थ्रेड चेंज की। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जो ये ग्रीन वाली है, दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, देखिए एक डबल क्रोशे बनाया, फिर एक और डबल क्रोशे इसी जगह पे बनाया, दो डबल क्रोशे बनाया, फिर एक चेन बनाई और इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे। इस बार हम यहाँ पे दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ से देखिए ये डबल क्रोशे, दो लूप रह गए। अब इन दो लूप्स को चेंज करेंगे हम वाइट कलर की थ्रेड से इस तरह ऐसे। अब जो वाइट कलर का है देखिए, इसमें डालेंगे जो दो डबल क्रोशे बीच में एक चेन है, एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें और एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए एक बार निकाला, थ्रेड चेंज किया यहाँ से इस तरह से। अब ये नेक्स्ट, ये देखिए दो डबल क्रोशे के बीच में जो चेन है उसमें डालेंगे एक डबल क्रोशे और ये एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे यहाँ से, एक चेन और इसी जगह पे दो डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और ये दो सेकंड के लिए। अब देखिए थ्रेड चेंज करेंगे यहाँ से इस तरह से, देखिए वाइट तो सेम रहेगा, ग्रीन वाले में हम दो डबल क्रोशे एक चेन और दो डबल क्रोशे, और जब वाइट वाला आएगा एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे इस तरह से करेंगे। देखिए ये देखिए बीच में डालेंगे एक डबल क्रोशे एक चेन और इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और, तो इस तरह से राउंड अपना कंप्लीट करते जाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है ये दो कलर का, तो ये बनाते हैं। देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा, देखिए ऐसे घेरा। अब देखिए अब ये जो ग्रीन वाला है, एक डबल क्रोशे, ये दो, फिर एक चेन, फिर इसी जगह पे दो डबल क्रोशे और, एक और ये यहीं पे दूसरा भी। तो अब देखिए यहाँ से थ्रेड चेंज करेंगे, दो लूप हैं तब इस तरह। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब देखिए बीच में डालेंगे इस तरह और ये स्लिप स्टिच एक और करेंगे, अब इसके बाद देखिए एक दो तीन चेन बनाएंगे और इसी जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे और जो लास्ट के दो लूप हैं ये वाले, इन दो लूपों में ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। ये पर्ल स्टिच बनाया हमने और इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे और, ये दो लूप हो गए। यहाँ से अब हम थ्रेड चेंज करेंगे, ये थ्रेड चेंज करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब ये देखिए दो डबल क्रोशे एक चेन, दो डबल क्रोशे थे उनके बीच जो एक चेन वाली जगह है उसमें देखिए क्रोशे को डालेंगे, एक डबल क्रोशे, ये दो डबल क्रोशे, देखिए इस तरह से बनेगा ये, फिर एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे, ये जो ये दो लूप हैं ये वाले तीन चेनों के नीचे एक और ये दो, ये फ्रंट वाले, इसको ऐसे निकालेंगे फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। पर्ल स्टिच बना, इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे इस तरह से, ये दो लूप हो गए। दो लूपों को इस तरह से निकालेंगे ऐसे, डबल क्रोशे बनाया हमने। फिर ये जो वाइट वाली है एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे वाली जगह, उसमें देखिए एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, इसमें भी दो डबल क्रोशे, दो और ये तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद देखिए ये जो नीचे दो लूप्स हैं ये देखिए, इनमें ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशे पर्ल स्टिच बना, देखिए इस तरह। अब इस जगह पे फिर दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दो, दूसरा देखिए ये लूप में है, यहाँ से थ्रेड चेंज करेंगे इस तरह। अब ग्रीन वाला है, ये एक चेन वाली जगह में दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे और जो लूप हैं ये दो लास्ट के तीन चेनों के नीचे,
ऐसे बनाएंगे और फिर यहीं पे दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दो। अभी जो चेन है तो ये दो लूप हैं, इसको थ्रेड चेंज करेंगे इस तरह। तो देखिए, तो नेक्स्ट हम ऐसे बनाएंगे, तो इस तरह से ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह से ये बना। अब लास्ट में ये जो तीन चेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में हम क्रोशियो को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे। देखिए ऐसे, इतना ही इजी पैटर्न है ये। अब एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट करेंगे और बहुत ही सुंदर लगता है दो कलर्स में। देखिए ये हमारी छोटी सी जीरो नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनी ऐसे। इस तरह से बना। अब ये बैक साइड में देखिए, ये वाइट कलर की थ्रेड भी हम कट कर लेंगे। अब ये इसको सुई की हेल्प से देखिए इस तरह से, ये जो थ्रेड है इनको हाइड कर लेंगे बैक साइड से। देखिए इस तरह से बनेगा। तो देखिए जो वाइट कलर की थ्रेड है हमने कट की थी, उसमें हल्की सी एक ये देखिए एक नॉट मार लेंगे ताकि निकले ना। नॉट मार के अब देखिए ये लूप्स के अंदर डालते जाएंगे ताकि जो थ्रेड है ये हाइड हो जाए, दिखिए ना बैक साइड में। अब देखिए जो बची हुई थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। सेम ये जो थ्रेड है इनको भी लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह इसमें भी सुई डाली और ये लूप्स में डाल के हाइड करेंगे इसको, थ्रेड को इस तरह, जिससे हमारा थ्रेड दिखेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं बैक साइड में। आप इससे क्रोशे हुक से भी डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह ये हमारा पैटर्न बना। अब यहाँ पे हम आउटलाइन या बेडिंग बॉर्डर बनाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह से ही मैंने चार नंबर के गोपाल जी के लिए भी सेम इस तरह से ड्रेस बनाई है, देखिए। और ये अब जीरो नंबर के गोपाल जी के लिए है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ड्रेस। इसका बॉर्डर बनाने के लिए बॉर्डर बनाएंगे हम। ये मैंने 2.5 mm की क्रोशे हुक ली थी। अब मैं ये जो बॉर्डर है जीरो नंबर के गोपाल जी का, चाहे तो आप इससे भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा क्रोशे हुक लिया है। ये 1.50 mm, 1.5 mm का क्रोशे हुक है। अब देखिए ये यहाँ पे जो डबल क्रोशे है, ये देखिए यहाँ पे जो लूप मिलेगा हमें उसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और ये जो है थ्रेड को अटैच करेंगे इस तरह चेन बनाते हुए। अब देखिए ये जो डबल क्रोशे के बीच में क्रोशे को डालेंगे, ये देखिए इस तरह, और सिंगल क्रोशे बनाएंगे ये ऐसे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये वाली जो थ्रेड है इसको हम साथ साथ बुनते जाएंगे ताकि हाइड हो जाए जो हमने अटैच की है। नेक्स्ट हमें जो भी लूप मिलेगा हम उसमें सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, ये देखिए इस तरह। नेक्स्ट चेन मिलेगी, चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशे, जो लूप मिलेगा तो लूप में इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए थोड़ी सी बारीक बारीक बीडिंग अच्छी लगती है। जीरो नंबर के गोपाल जी देखिए यहाँ पे से, अब देखिए इस तरह, अब इस चेन में डालेंगे और ये सिंगल क्रोशे करेंगे। अब कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और यहाँ से एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब जो हम ये नेक लाइन में आए हैं, देखिए इस तरह बना नेक लाइन में, ये देखिए इस वाले में, तो हर चेन में हम देखिए यहाँ पे हम ये स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, मैंने स्लिप स्टिच किया इस तरह से हर चेन में। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है अब ये हमने साथ साथ बुन लिया, जो बची है उसे कट कर देंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग आती है इससे अच्छी, थ्रेड निकलता भी नहीं और दिखता भी नहीं। तो इसमें हम देखिए
चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये करते जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे कॉर्नर में, सिंगल क्रोशे चेन और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो बनाते हैं, देखिए इस तरह से ये हमारे जीरो नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनी। और ये देखिए बॉर्डर भी बना लिया हमने, ये फ्रंट साइड से ये इस तरह से बनेगा अगर आप स्लिप स्टिच करेंगे तो। ये देखिए ऐसे, ये बहुत ही सुंदर और प्यारा पैटर्न है दो कलर्स में। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया और ये बहुत ही इजी पैटर्न है, और आप भी इसे अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।